सो गाइस, अगर आपके भी फ़ोन पर जो है गूगल स्पीच वाली प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर नोटिफिकेशन बार से ओपन करते हो तो अभी जो है यहाँ पर डाउनलोडिंग इंग्लिश यूएस अपडेट लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके भी फ़ोन पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ना तो ये अपडेट कंप्लीट हो रहा है, ना ही तो ये जो नोटिफिकेशन रही है ऐसे नोटिफिकेशन बार से रिमूव हो रहा है। अगर आपके साथ भी सेम ऐसी ही प्रॉब्लम हो रही है, आपके भी फ़ोन पर जो नोटिफिकेशन आ रखी है काफ़ी दिनों से या फिर काफ़ी टाइम से, और आप जो है इस नोटिफिकेशन को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है आपके डिवाइस से नोटिफिकेशन बार से रिमूव नहीं हो रही है। सो आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी, कैसे करके आप इस नोटिफिकेशन को इजीली जो है हटा सकते हैं आप नोटिफिकेशन बार से। सो आपको जो है इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो 100% सॉल्व होने वाली है। सो चलिए इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला तरीका ये है कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करना होगा। देन जो है आपको यहाँ पर से स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर गूगल नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद जो है दोबारा से ऐसे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर सेटिंग्स फॉर गूगल ऐप्स पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको सर्च असिस्टेंट एंड वॉइस पर क्लिक करना होगा। काफ़ी सारे लोगों के डिवाइस पर जो है ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अगर ये वाला ऑप्शन आपके में डिवाइस में नहीं आ रहा, सो सेकेंड ट्रिक जो है आपको यूज़ करना है। और अगर जो ये ट्रिक आपको में वर्क नहीं कर रही है, सो आपको सेकंड ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पर, आपको उस वाले ट्रिक को यूज़ करना होगा, जिससे जो है आपकी प्रॉब्लम 100% जो है फिक्स हो जाएगी। तो आपको जो है सर्च असिस्टेंट एंड वॉइस पे क्लिक करना होगा, और इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर वॉइस नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली से वॉइस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको ऑफलाइन स्पीच रिकॉग्निशन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऑल और ऑटो अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर ऑटो अपडेट पर क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डू नॉट ऑटो अपडेट लैंग्वेज पर सेलेक्ट कर रखना होगा, आपके में यहाँ पर क्लिक होगा, आपको जो है इसको डू नॉट ऑटो अपडेट पर क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको अपना डिवाइस रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, सो आपको जो है सेकंड ट्रिक फॉलो करनी है। सेकंड ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद जो है आपको गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना होगा, और ये ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक करना होगा। देन जो है आपको यहाँ पर सर्च करना है स्पीच सर्विसेज बाय गूगल, और ये सर्च करने के बाद जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपको अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोबारा से अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है। ये करने के बाद जो है ये एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन है वो आपके डिवाइस से अनइंस्टॉल नहीं होगी, सिर्फ जो ये अपडेट आ रखा है सिर्फ वही अपडेट जो है हमारे डिवाइस से अनइंस्टॉल हो जाएगा। सो ये अनइंस्टॉल करने के बाद जो है आपको दिख रहा होगा अभी जो है नोटिफिकेशन जो आ रही थी वो भी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। सो ऐसे करके जो है आप अपने फ़ोन पर जो नोटिफिकेशन आ रहा था उसको आप इजीली रिमूव जो है कर सकते हैं। आज की इस वीडियो पर इतना था। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी हेल्प करेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।